देखिए पीटर लिंच है, पीटर लिंच के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको समझते हैं। कुछ क्वेश्चन है पीटर लिंच, अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लिखेंगे डिजाइन ए डीएफए सच दैट ऑल स्ट्रिंग with no more than design a DFA such that all strings with no more than three edge, no more than three edge. कोई बात नहीं, लिख लीजिए। जिसमें थ्री एज ऊपर नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट लिखेंगे ए बी, अल्फाबेट क्या लिखेंगे ए बी, ठीक है ए बी अल्फाबेट है तब की बात। देखिए थ्री ए से ऊपर नहीं होना चाहिए, हाँ कैसे बनाएंगे थ्री ए से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो पहला काउंट कीजिए वन टू थ्री और फोर, थ्री ए से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये सब के सब क्या होंगे सही है ना, थ्री ए से ऊपर नहीं होना चाहिए, बी कितना भी हो सकता है यही ना, और यहां क्या होगा ए बी का लूप क्या, हाँ थ्री एज, हाँ थ्री एज, थ्री एज से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रिपल ए सब स्ट्रिंग की बात नहीं करें, सब स्ट्रिंग होता है क्या कन लगातार होगा, इसमें एक बात भी हो सकता है, तब लिखेंगे ऑल स्ट्रिंग्स विथ एट लीस्ट वन ए, अगला ऑल स्ट्रिंग्स विथ एट लीस्ट वन ए, एट लीस्ट वन ए एंड एग्जैक्टली टू बी, एंड एग्जैक्टली टू बी, कम से कम एक ए होना चाहिए और एग्जैक्टली क्या होना चाहिए दो बी होना चाहिए, आ रहा साथ में, कम से कम एक ए और एग्जैक्टली दो बी होना चाहिए, कैसे बनाएंगे एग्जैक्टली एक ए और दो बी, ये बन सकता है क्या है एग्जैक्टली एटलीस्ट वन ए, एटलीस्ट वन ए दो बी, इस एक बार कितना भी ए हो सकता है चलेगा, मगर इसके बाद बी नहीं चलेगा, यही ना, क्यों यहां भी ए चल सकता है, एटलीस्ट वन ए एग्जैक्टली टू बी, कम एग्जैक्टली दो बी होना चाहिए, एक की संख्या एक ज्यादा हो सकता है, हो सकता है ना, होगा इधर, अब हो सकता है कि शुरू में दो भी दे, हो सकता है शुरू में दो भी दे उसके बाद क्या दे एक सिंगल ए दे, हो सकता है एक सिंगल ए बाद कितना भी ले सकता है बी, एग्जैक्टली क्या दो होगा, दो के बाद थर्ड भी नहीं हो सकता, यही ना, अगर इस बी के बाद ए लेगा तो इसके बाद अगर ए लेता है तो एक तो बी हो चुका है, ए हो गया ना, इधर से भी ए हो गया, हमें क्या चाहिए बस एक बी चाहिए, कि एक बी यहां मिलेगा एक बी यहां मिलेगा, एग्जैक्टली क्या होगा दो बार बी होगा, होगा ना, और कम से कम एक बार ए मिलेगा, मिलेगा ना, हो गया ये हो गया डी एफ ए, एन एफ ए कहेगा तो हम इस स्टेट को क्या करेंगे हटा सकते हैं मिनिमम स्टेट के चक्कर में, ठीक सही बात, सही है आ रहा है, सुब्रा पहले की होंगे ये सब लिखिए, इसके बाद अगला ऑल द स्ट्रिंग्स विथ एग्जैक्टली, ऑल द स्ट्रिंग्स विथ एग्जैक्टली टू एज, विथ द एग्जैक्टली टू एज एंड मोर देन टू बीज, एंड मोर देन टू बीज,
एग्जैक्टली दो ए होना चाहिए, ठीक है, और मोर देन टू बी होना चाहिए, मोर देन टू बी, मोर देन टू बी का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट थ्री बी, कर सकते हैं, मोर देन टू बी का मतलब क्या है, एटलीस्ट थ्री बी, यही ना, इसको बना के देखिए, तो बना क्या, बना क्या मुश्किल सा, क्या कहता है ये, क्या कहता है, एग्जैक्टली टू ए, दो ए लीजिए, ए ए और बी कितना, एटलीस्ट थ्री, एटलीस्ट थ्री, यही ना, तो कितना बी ले सकता है, कम से कम तीन, यहां से अगर दो बी, और हाँ बी भी आ सकता, शुरू में बी आ जाए तीन, उसके बाद दो ए आ जाए, ये भी चलेगा, चलेगा ना,
मगर इसके बाद ए नहीं हो सकता, यही ना, क्यों, ए की संख्या दो ही है, दो से ऊपर नहीं हो सकता। इसके बाद अगर ए दे तो यही जाएगा, इसके बाद भी ए दे तो यही जाएगा, आर साथ में इसके बाद ए देगा तो उधर ही जाएगा, जाएगा क्यों, दो ए के बाद थर्ड ए नहीं होना चाहिए कभी भी। और हाँ, यहाँ पर थ्री बी के बाद अगर बी आता है तो बी का कोई लिमिट नहीं है, यही ना, बी का कोई लिमिट नहीं है, थ्री बी के बाद, थ्री बी के बाद कितने बी आए कोई टेंशन नहीं, बट इस बी के बाद ए आ जाए, समझ रहे हैं, बी के बाद ए आ जाए या ए दो ए आ जाए, यहाँ भेज दें, भेज देंगे, बी के बाद दो ए आए तो टू टाइम्स ए मिल गया, थर्ड ए नहीं हो सकता। देखिए इस बी के बाद लगातार दो ए आए, एक बी और दो ए मिल गया, उसका तो ए नहीं हो सकता, फंस जाएगा, समझ रहे, वेरी गुड, इधर ध्यान दीजिए, दो बी के बाद ए हो सकता है, कैसे, ए और ए, ध्यान देख रहे, ध्यान देखेंगे, दो बी के बाद दो ए आए तो कम से कम एक बी और चाहिए, क्यों, कम से कम थ्री थ्री बी चाहिए, यही ना, और उसके दो ए के बाद ए हो नहीं सकता, हो सकता इस ए के बाद दो बी दे दे, बी और बी देखिए ऐसे लगा दे, ए बी ए, अगर ए बी ए तो दो बार ए हो चुका, बस दो बी और चाहिए, एक बी हम ले, एक बार अगर लगातार दो बी मिलता है तो दो बी हो गया है, उसका थर्ड बीट होना ही चाहिए, और दो ए, सोचिए यहां पर, यहां गड़बड़, ठीक, यहां गड़बड़, ठीक है, ए बी इस रास्ते में यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लिखे, मिटाते हैं बीच, बीच का मिटाते हैं, देखिए ध्यान, अगर इस एक बार दो भी मिलता है, इस एक बार दो भी नहीं थ्री भी मिलेगा, एक बार थ्री भी, बी ठीक है, थ्री बी ना, एक बार थ्री बी मिले, थ्री बी का मतलब है बी बी और बी यहां जाएगा, क्यों, नहीं 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 नहीं, अच्छा यहाँ ये बी होगा ना, यहां का बी देते हैं बी, तो अगर थ्री बी दे एक दो और यहां जाए, कैसे, ओके, ये जो पॉइंट है इधर से भी थ्री बी एक ए है और इधर से एक ए थ्री बी है ना, पॉइंट मैच कर रहा है, अब यहां से ए बी हो चुका, यहां से ए बी हो चुका, यहां से ए बी हो चुका, यहां से ए नहीं हुआ, यही ना, यहां से ए यहां जाएगा, क्यों, तो यहां तक ए बी मिला, यहां तक बी ए मिला, काउंटिंग में बराबर है ना, अगर इस रास्ते से जाएगा तो थ्री बी यहां मिल जाएगा और एक ए और लेना, बस एक इधर मिला, अगर इस एक बाद एक और ए और ले लेते यहां से यहां जाएगा, कैसे, सिंगल बी डबल ए, इधर से भी देखिए ना, डबल ए सिंगल बी है ना, या ए बी ए, यहां तक आते आते दो ए हो चुका है और सिंगल बी होगा, होगा ना, इसका दो बी और लेना है, आसान में, यानी हमें इस तरह से एडजस्ट करना, यहां से ए बी हो गया, यहां का देखिए, यहां से यहां तक आपका सिंगल ए है, इधर से आएगा तभी सिंगल ए, इधर से आए तभी सिंगल ए, अगर यहां से ए मिल गया तो दो बार ए हो चुका होगा, यही ना, यहां से ए मिला दो बार ए हो चुका है, हो चुका है, कैसे, एक यहां ए एक यहां ए, या इधर से आएगा तो यहां ए, यहां, अब बी कितना हो चुका है, कम से कम दो हो चुका है, किसी रास्ते से आएगा दो, थर्ड बी मुझे मिला, ऐसा ये डायग्राम, अच्छा यहां का ए, हाँ यहां का देखिए क्या बचा है, ए, दो बी के बाद ए दे, दो बी के बाद ए इस रास्ते में जाएगा, जाएगा क्यों, ए बी बी यहां तक है ना, इधर से जाएगा तो बी बी ए, यानी कि यहां तक आपको दो बी एक सिंगल है, यहां तक किधर से, इधर इधर से भी जाएंगे, इधर से भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, दो बी मिलेगा और सिंगल ए मिलेगा, मिलेगा क्या, बस थोड़ा सा मैट्रिक्स टाइप का बनाना है ना, इसका एक स्वागत और बना सकते हैं, कैसे बनाया स्वागत, देखिए ऐसे बनाए,
तीन बार बी और दो बार इसको मिलाइए बी बी और आसन में इधर से क्या होगा दो ए आएगा तो यहां आएगा आसन। अब ये सोचिए यहां से आएगा बी, यहां तक ए बी मिला, यहां से बी ये ना, अगर यहां पे एक बी मिल जाए ए ए, एक बी दो ए कैसे भी आएंगे तो एक बी दो ए लेकिन उसी तरह से यहां से दो बी के बाद अगर ए और फिर से ए मिल आ रहा साथ में यहां से क्या होगा बी नीचे बी कीजिए नीचे बी कीजिए यहां से क्या एक ए और दो तीन बी मिला एक ए और चाहिए है ना। अब क्या होगा यहां के बाद जब भी आपका दो ए मिल चुका है तो यहां से फर्दर ए नहीं हो सकता है यही ना, ए नहीं हो सकता ये कारण जैसे आपका दो ए मिल चुका है, मिल चुका ना दो ए मिल चुका इसका ए नहीं हो सकता। बी का क्या कंडीशन है कि अगर यहाँ तीन बी मिल चुका है तो कितना बी कहीं भी ले सकता है ये ना, इस पॉइंट पर यहाँ थ्री बी मिल चुका है बी से नीचे आए तो यहाँ से बी के लिए क्या सेट लूप हो जाएगा तो बी नीचे आ रहा है ये क्या है? इसे बना सकता जाएगा ये और ये डायग्राम सेम है कि अलग है, दोनों सेम है, ये थोड़ा सा आसान होता है बनना क्लियर। देखिए स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें कितना है 4 4 4 + 13 दोनों एक ही है, बनाने का तरीका अलग अलग है। कुछ कुछ आ रहा साथ में दिव्यज्योत अच्छा लग रहा इधर आप पहले प्रैक्टिस की थी हाँ, जब भी दो चीज हो ना ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा ठीक है उससे बन जाएगा, जैसे ए और बी दोनों है तो आपको इस तरह से बना देंगे और सी भी आ जाए तो समझ रहे ना थ्री डी बना शुरू हो जाएगा थ्री डी ये टू डी है ना बनाएंगे तब ना, अब उसके लिए हवा में निकालेंगे डायग्राम समझे बना नहीं सकते हवा में। पीटर लिंच का देख ली हाँ सब भी है बिल्कुल सही देख कितना अच्छा बात कर रहे देखिए यहां मिसिंग था भी पकड़ लिया अच्छे से दिया भी बनाना है L इक्वल टू क्या A बीट ऑफ 5 क्या W B स्क्वायर W किसे बिलोंग करेगा A B स्टार क्या कहता है एक बार 5 टाइम्स B होना चाहिए यही ना, उसके बाद एक W होगा W कुछ भी हो लास्ट में क्या होना चाहिए B स्क्वायर में दो बार B होना चाहिए ठीक है। एक बार 5 बी यहां कुछ भी हो लास्ट में क्या होना चाहिए 2 बी दिखना चाहिए इसके लिए बनाए दिया थे समझ में आ रहा है किससे स्टार्ट होगा उसका 5 बार बी होना चाहिए 5 बी के बाद क्या है डब्लू डब्लू कुछ भी लास्ट में क्या दिखना चाहिए लास्ट में 2 बार बी दिखना चाहिए यही ना, जब भी स्टॉप हो लास्ट में 2 टाइम्स बी दिखना चाहिए
कुछ बना रहे हैं। एक के बाद कितना, पांच बी, वेरी गुड, ये एनएफए बन गया। क्यों, यहां से ए बी लिए हैं, यहां से बी भी गया, एनएफए सही, डीएफए नहीं, डीएफए नहीं, क्योंकि यहां ए बी का लूप लिए ना, तो यहां से बी जा रहा है उधर, डायरेक्शन में लिखे आप क्या, नहीं सारे ए यहां पे आ जाएंगे। देखिए अगर एन एफ ए बनाएंगे, ए बी 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 और बी, उसके बाद ए कॉमा बी, उसके बाद बी बी, समझ रहे, ये क्या हो गया एन एफ ए। दिव्यज्योत ये एन एफ ए बन जाएगा, डी एफ ए बना है तो यहां के बाद देखिए शुरू में बी नहीं हो सकता, यही ना, यहाँ ए नहीं हो सकता, 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 ये ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह से लास्ट में दो बी हो, ए यहाँ रह सकता है, लास्ट में दो बी हो, बी के बाद कितना बी ले चलेगा, मगर यहाँ से अगर ए दिया तो बैक यहाँ, और यहाँ से बी के बाद ए दिया तो बैक यहाँ, क्यों, कुछ भी हो चलेगा, मगर लास्ट में दो बी दिखाना चाहिए, इससे पहले जो मिलेगा सबका सब क्या होगा, डब्ल्यू हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में दो भी यहां दिखना चाहिए, इससे पहले जो होगा वो डब्ल्यू का पार्ट हो जाएगा, है कि नहीं आ रहा, इसलिए लास्ट में दो भी यहां दिखेगा, स्टार्ट ए पांच बार बी होगा, होगा कि नहीं, उसके बाद कुछ भी लेगा लास्ट में दो भी यहां दिखेगा, ये क्या हो जाएगा डी एफ। नहीं वो जाने स्टार्ट ए से होना चाहिए, बीस नहीं होना चाहिए, भेज देंगे क्या होगा, अकेला ए ए लेके बी बीस पहुंच जाएगा, क्योंकि ए के बाद पांच भी मिलेगा, नहीं ना, ए के बाद पांच भी दिखना चाहिए, पांच भी के बाद कहानी और है, हाँ कहानी क्या है कि लास्ट में दो भी दिखना चाहिए, डब्लू आपका कुछ भी होगा, इससे पहले जो मिलेगा सब डब्लू मान लेंगे, लास्ट में दो भी दिखेगा दो भी का आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा, हाँ ले सकते, मना नहीं, बोले क्वेश्चन एक बार पांच भी, उसके बाद ए ए बी 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 ए बी 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 ले सकते, ये सब का सब क्या होगा डब्लू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी बी, आपको डबल ए फाइव टाइम्स डबल ए बी बी यहाँ सब रहेगा, फिर ए मिलेगा यहाँ जाएगा, फिर बी बी बी, अगर जो सही स्ट्रिंग है वो पास करेगा, करेगा ना, यहाँ डब्लू क्या है, डब्लू कुछ भी हो सकता है, लास्ट में क्या दिखा दें बी स्क्वायर, यानी कि लास्ट डबल बीस हो, स्टार्ट किससे हो ए के बाद फाइव टाइम्स बीस हो, इतना ही ना, इसका बना के दिखाए तो समझ में आ रहा। देखिए मेहनत करना होगा, सही बात है, जो बिल्कुल नहीं करती ये सब क्वेश्चन काफी खत्म कर जाते हैं, है कि नहीं, आपको अब ये नहीं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब कि इसका जो क्वेश्चन है ना वो खत्म कर, ये नहीं कि हम लेक्चर दे रहे हैं उसी को रिवाइज कर रहे हैं, इसमें जो लिखा है ना इसका सब क्वेश्चन बने, और जो जो नहीं बनता हमसे पूछो, ठीक है, आपको अच्छा है कि हम बता देंगे आपको, ठीक है, आपको टेंशन है लेकिन नहीं बताएंगे, जो क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर देंगे, देखिए इसका नाम ए बी बराबर कितना एन बराबर एम, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एम ग्रेटर इक्वल टू थ्री, ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम है कि नहीं, क्या लिखा ए बी बराबर एन ए बराबर एम, एन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और एम क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री,
सबका देखेंगे। क्या बना? देखिए सिंगल ए कितना बी डबल बी, उसके बाद कितना भी हो सकता होगा ना, इसका ट्रिपल ए फिर ए का स्टार, यही ना फाइनल यहां होगा। इस बीच में जो भी होगा एक्स्ट्रा यहां जाएगा, आएगा ना, एक डायरेक्शन बनेगा जो बच गया है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ ए भी दो निकल चुका है ना, दो निकल गया तो एक और बनाइए, एल इक्वल टू डब्ल्यू वन ए बी डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू किसे बिलोंग करेगा, ए बी स्टार, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कुछ भी हो सकता है और एक बार ए बी चाहिए, क्या बनाना है इसका, बी एस। एन एफ ए तो आसान है कि नहीं, क्या बना?
क्या बना है, क्या है इसमें, ए बी सबस्ट्रिंग का है, ए बी सबस्ट्रिंग बस कुछ था ही नहीं आ रहा साथ में। इसके बाद का एक क्वेश्चन है एल इक्वल टू डब्लू ए डब्लू टू, डब्लू वन ए डब्लू टू, डब्लू वन का लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री और डब्लू टू का लेंथ क्या है लेस देन इक्वल टू फाइव। देखिए क्या करना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि W1 कम से कम तीन लेंथ का होना चाहिए ना, उसके बाद एक ए दिखना चाहिए, एक सिंगल ए दिखना चाहिए, उसके बाद उस ए के बाद कितना लेंथ का स्ट्रिंग दिख सकता है, उसके बाद बताइए इस ए के बाद कितना लेंथ का स्ट्रिंग। देखिए एक स्ट्रिंग लेते हैं ए बी ए ए ए ए ए बी 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 ए, ये स्ट्रिंग इसका मेंबर है, ये स्ट्रिंग इसका मेंबर है, देखिए इतना दूर मान लेंगे W1, ये मान लेंगे W2, हो गया देख रहे हैं। ये स्ट्रिंग इसका मेंबर है, इतना दूर मान लेंगे क्या डब्ल्यू वन, ये ए डब्ल्यू टू खाली असल, ये आपका स्ट्रिंग है, हाँ देखिए इसको क्या मानेंगे W1, इसको क्या A, इसको क्या मानेंगे, बस इतना करना, क्या करना इसका बनाना है, क्या वेरी गुड, क्या समझदार बनाएंगे, भले हमको समझा दी, हाँ समझा दी नहीं समझाते नहीं कुछ कुछ बना लेते आप, सही बात है, सोचते कि ये करें कि वो करें। हाँ
हाँ देखिए डब्ल्यू वन में कम से कम तीन लेंथ होना चाहिए ना, ए कोमा बी, ए कोमा बी और ए कोमा बी, यही ना, उसके बाद एक ए होना ही चाहिए उसका फाइनल। शॉर्टेस्ट बनेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए, सबसे छोटा तीन लेंथ का कोई होना चाहिए ना। अब देखिए यहां डबल टू नाव का चलेगा, बात यहां के बाद फाइव, अगर इसके बाद अगर ए देते हैं क्या होगा, कितना भी ए होगा सबका सब डबल वन मानेंगे, लास्ट का ए मानेंगे, मानेंगे आंसर में। जैसे अगर आपके पास ए ए ए ए ए ए आ रहा, इसको डबल वन मानेंगे, इसको ए मानेंगे, ये ना चलेगा कि नहीं, यहां से बी होगा यहीं बैठाएंगे, क्या यहां से भी यहीं बैठाएंगे क्वेश्चन। अब एक तीन लेंथ के बाद, तीन लेंथ के बाद आपको कहीं ना कहीं एक ए चाहिए, बिल्कुल सही, जितना भी होगा यही लाएंगे, कम से कम तीन लेंथ के बाद कहीं ना कहीं एक ए होना चाहिए, ठीक। अगर यहां के बाद बी दिए, क्या बी दिए, फिर से बी दिए, फिर से बी दिए, फिर से बी दिए, देख रहे ना कितना बार, पांच बार दे सकते हैं, सबका सब फाइनल है, क्यों हम पांच बी तक बर्दाश्त कर सकते हैं, ये ना, उसके बाद छठा भी नहीं करेंगे, सिक्स बी अगर क्या करेंगे, सिक्स बी होना चाहिए, एक के बाद सिक्स बी तो नहीं लिखना चाहिए, और सिक्स बी अगर क्या करेंगे, तो जितना भी है ना ले लो, खाना ले लोगे, जैसे ये दोगे हम पहुंचा देंगे तुम्हें फाइनल पर, क्यों, इससे पहले जो मिला डबल वन का मेंबर हो जाएगा, होगा ना। देखिए देखिए वहां देखिए पांच छह भी दिए थे, वहां पर दिए थे कि नहीं, इसलिए दिए थे कि अगर लगातार एक दो तीन चार पांच तक बर्दाश्त करेंगे, बस छठा आ गया कि आओ यहाँ जीता मैंने ले लो, मैं एक ए दोगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ, इसका ए आए तो बैक यहाँ, क्यों इसका ए तो बैक यहाँ, क्यों, जैसे ए आएगा, जैसे ए आएगा मान लेंगे कि डबल टू है ही नहीं, जैसे ए आएगा क्या मानेंगे, डबल टू है ही नहीं, असल में नहीं, हर जगह से ए आएगा तो यहाँ आएगा, आ रहा साथ में, जैसे ए आएगा हम क्या मानेंगे, डबल टू नहीं है, और इसके बाद अगर बी आता है तो फाइव बी तक हम लोग क्या टॉलरेट करेंगे, और सिक्स बी होगा ना, अगर जाओ वहां पर फाइनल नहीं हो तुम, मगर हम फाइनल पर ले जाए, कब एक ए दे दो हम ले चल दे कहाँ, फाइनल आ रहा है साथ में, इसका तो क्या ए भी निकल गया, इसका भी ए भी निकल गया, इसका भी ए भी निकल गया, क्या डीएफए क्यों नहीं गा, हर स्टेज से एक ही अल्फाबेट निकला एक बार निकल से हो रहा है ना, डीएफए नहीं आ रहा है साथ में, इधर देख रहे हैं क्या लगता है इसमें, क्या लगता है बनाने में, वेरी गुड, क्या समझदारी, ठीक है सुबरा बताती रहती है, बोलिए ये ब्रेन हम लगाएंगे नहीं, खाली बोल, आ रहा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन, ये सब पीटर लिंच का है, अगर सॉल्व कर लिए लॉजिक बन जाएगा, W सर दैट लेंथ ऑफ W, लेंथ ऑफ W क्या होना चाहिए, मॉड थ्री या जीरो होना चाहिए, मीन्स एक ही संख्या या लेंथ जो भी ए बी जो भी होगा लेंथ उसका मॉडुलस थ्री का जीरो होना चाहिए, मीन्स जो भी स्ट्रिंग लेंगे स्ट्रिंग का लेंथ थ्री से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, यही ना, थ्री से कैसे होगा डिविजिबल, जब भी लेंथ हो थ्री हो, सिक्स हो, जीरो हो, नाइन हो, ट्वेल्व हो, इसी इसी लेंथ का स्ट्रिंग पास होना चाहिए,
बिल्कुल सही, अल्फाबेट ए बी। वेरी गुड, या वेरी गुड। क्या समझदारी, देखे तो कितना अच्छा बनाया आप लोग। अगर यहां से ए ले या बी ले, ए ले या बी ले, और ए ले या बी ले, यही ना आ रहा सर में क्या? जीरो लेंथ कुछ भी लेंगे, तीन लेंथ में आएंगे, सिक्स लेंथ में आएंगे, आएंगे सही है। कितना अच्छा बना ले, क्या दिक्कत है, सही बना ले। हाँ मॉडुलस थ्री, जीरो मॉडुलस थ्री जीरो होता है, आ रहा है साथ में, वेरी गुड। ये लिखेगा एल इक्वल टू डब्लू, सर दैट नंबर ऑफ ए इन डब्लू मॉडुलस थ्री इक्वल टू वन, अल्फाबेट है ए बी। यानी पहले क्या था, लेंथ बता, अब क्या है, एक की संख्या, एक की संख्या मॉडुलस थ्री करे तो क्या आना चाहिए, जीरो नंबर ऑफ ए इन डब्लू, इन डब्लू। हाँ क्योंकि एक की संख्या डब्लू में जो भी है उसको मॉडुलस थ्री करेंगे ना तो जीरो होना चाहिए। पहले क्या था, ए बी की संख्या, यही ना, अब क्या है, सिर्फ एक की संख्या। मैं सिर्फ सिर्फ बी हो सकता, एक ही संख्या बी इंडिपेंडेंट है, बी का कोई रोल नहीं, बी कितना भी हो सकता है, मैं एक ही संख्या जब भी होगा मॉडुलस थ्री करें तो जीरो बन गया। वेरी गुड, इधर बहुत अच्छे, इधर बहुत अच्छे, देखिए कितना अच्छा अच्छा बनाते हैं आप लोग। यानी अब ए का लूप बनेगा, यही ना, जीरो वन टू थ्री, बी इंडिपेंडेंट हो गया, बी को नहीं घसी देंगे अब। अगर यही बोलता नहीं, वन बचना चाहिए, वन किसको बनाते फाइनल, क्यों वन यहां का, यहां लेना फाइनल, वन टू थ्री फोर, फोर चलेगा, फोर मॉडल्स थ्री वन होता, फाइव सिक्स सेवन, एक सिंगल ए होगा तो वन मॉडल्स थ्री वन होता, वन होता, वन को थ्री डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर वन होता, सुने इधर, वेरी गुड। और अगर यहां टू कर दे तब किसको बनाएंगे फाइनल, देख रहे हैं ना, वाह। अगर यहां थ्री कर दे तो नहीं हो सकता, सोचेंगे ना, इसका डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना कैसे करना, हाँ ये बनेगा ना पास होते, ये बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे कैसे, ये क्या बात हुआ, बनाएंगे नहीं, हाँ हो तो गया, जो है बनाएंगे ना, अब नहीं बनाएंगे कोई तरीका हुआ, बनाएंगे ये कैसे बनाएंगे, बनाएंगे छोड़ देंगे लो, ठीक है आधा साथ में, वेरी गुड।
इसी को ऐसे लिखा जाता है कभी कभी, जब नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू मॉडुलस 3 इक्वल टू 1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्या 3k प्लस 1 इज, ऐसे लिखते हैं ना, k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों एक ही चीज नोट करता है। कैसे? अगर इसमें 1 होगा सिंगल ए का पास करेगा, इसमें सिंगल ए पास करेगा, करेगा ना। अगर इसमें 3 टाइम्स ए होगा 4 टाइम्स ए होगा, इसमें ट्रू होगा, इसमें 4 टाइम्स ए क्या होगा, ट्रू होगा, होगा कि नहीं, जब भी एक 3 ऐड होगा, होगा ना। दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, बट इसमें लिखा जाए एल इक्वल टू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू कंटेंस क्या 3k प्लस 2 इज, ऐसे लिखा गया अल्फाबेट ए बी। इसको बनाए क्या, कम से कम 2 बार ए बनाएंगे, बनाएंगे ना, जब भी ऐड होगा तो इसमें 3 ऐड होगा, कैसे 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 फॉलो कर जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा 3 × 2+, यहाँ के क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी क्या इंडिपेंडेंट, देख रहे हैं। इसी में कोई कहा कि नहीं, इसके लिए अब क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन दे रहे हैं 3k+3, ये तो हो सकता है, एक ही संख्या 3k+3 होना चाहिए, या 3k+5 होना चाहिए, कम से कम 5 टाइम्स ए होना चाहिए, उसके बाद कम से कम 5 टाइम्स ए होगा, उसके बाद 8, उसके बाद 11, उसके बाद 14, ये ना, ये कहता है। ये कहानी अलग है और मॉडुलस का कहानी अलग है, मॉडुलस में कंट्रोल करें 0, 1, 2, भाई यहाँ पर एक ही संख्या 3k+2, 2, अब 3k+3 करेंगे तो कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए, इसके लिए कैसे बनाएंगे, कम से कम 5 टाइम्स ए तो होना ही चाहिए, आ रहा साथ में 5 टाइम्स ए तो होना चाहिए, उसके बाद हर 3 पर आएगा, आएगा 3 ऐड होगा ना, बी तो इंडिपेंडेंट है लूप का, देख रहे हैं, यानी ये कहानी पर +0, +1, +2 तक सही है, उसमें मैनेज कर लेंगे, अगर 3, 4, 5 हुआ तो जितना यहां लिखा है ना उससे एक एक्स्ट्रा स्टेट जाएगा, जैसे 5 है ना, देखिए 6 स्टेट गया, गया ना, अगर यहाँ 3k+2 था 3 में काम हो गया, हो गया 3 के सेकंड, अगर 0 देंगे तो 3 हो जाएगा, 1 देंगे 3 हो जाएगा, 2 देंगे 3, मगर यहाँ 3 दे दिए क्या 3k+3 इज, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 3 बार तो आपको देना ही पड़ेगा, हंस के या रोक कर 3 टाइम्स इतना होगा कि नहीं, उसके बाद हर बार इसमें 3 ऐड होगा, होगा ना 1, 2, 3 बी इंडिपेंडेंट, कितना स्टेट 3 है, देखिए 1, 2, 3, 4 जितना है ना उससे बढ़ जाएगा, आरसाद में ये सब ध्यान रखना है, ये नहीं कि वहां एक बना दिए यहाँ गए यहाँ एक बना दिए, देख रहे नहीं तो सब ऑल क्लियर, हमेशा बनाने वक्त आपको क्या अप्लाई करना है, ब्रेन, समझ गए, ये नहीं कि बस रगड़ दो, आपको भी रगड़ देगा अच्छे से, कोई शॉर्टकट काम नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन लगाएंगे, स्वागत हेल्प करेगा तो करेगा, लेकिन अपना सोचेंगे, जितना भी स्वागत है अच्छी बात है रखिए, बस क्वेश्चन जब आए अप्लाई सोच समझ करना, आसान में यानी कि स्वागत का चक्कर फटाफट बना रहे कुछ कुछ, कोई पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होगा, अगर यहाँ जो लिखा है उससे छोटा यहाँ लिखा है कि इतना स्टेट चाहिए चाहिए, अगर यहाँ का वैल्यू बड़ा या इक्वल हो जाए इससे तो जो यहाँ लिखा है ना उसमें +1 स्टेट चाहिए, ठीक है, यानी अगर लिखा है UK+V एज होना चाहिए, इसका मतलब स्टेट कितना होगा, स्टेट स्टेट होगा यू इफ यू क्या हो गया देन, समझ में, अदरवाइज क्या होगा V+1 अदरवाइज, समझ रहे ना,
यानी सवाल करने वक्त हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है लगा कर रखेंगे। बाहर निकलने की बात समझ रहे ना, हमारे जैसे बहुत लोग रहते हैं, नोट कर लिए, मिटा दूं। वेरी गुड, एक लिखेंगे क्वेश्चन अगला है। L इक्वल टू W, सर दैट नंबर ऑफ A इन W मॉडुलस 3 इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ B इन W मॉडुलस 4 इक्वल टू 2 अल्फाबेट A B। एक और लिख देते हैं L इक्वल टू W, सर दैट नंबर ऑफ A इन W माइनस नंबर ऑफ B इन W, इसको क्या करें मॉडुलस करें 3 से, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 अल्फाबेट A B। एक और है L इक्वल टू W, सर दैट नंबर ऑफ A इन W प्लस 2 टाइम्स नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू 2 टाइम्स, इसको मॉडुलस 3 करेंगे क्या होना चाहिए 1 अल्फाबेट ए बी। अगर आप इसको बनाएंगे तो कितने स्टेज जाएंगे, इसको बनाएंगे तब नीचे मगर पहले ऐसे ही सोच लेते हैं क्या। वेरी गुड, क्या समझदारी की बात कर रहे, टाइम भी होने चला था, छोड़ देंगे जल्दी। तो 7 नंबर एक्सरसाइज का बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 7 नंबर 8 नंबर किसका पीटर लिंच, 7, 8, 9 कर लेंगे, समझ लीजिए कि आपका बात बन गया ठीक है। डीएफए में इससे ज्यादा प्रैक्टिस अगर नहीं करना, 7, 8, 9 पीटर लिंच का 3 कर लिए ना, गलती भी किए तो देखिए करना हुआ 3, 7, 8, 9 ये 3 एग्जांपल कर लिए। पेज नंबर 47 2.1 का एक्सरसाइज, 2.1 का एक्सरसाइज है पीटर लिंच का, दूसरा चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, बस 2.1 का एक्सरसाइज ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इसमें लिस्ट है, इतना कर लिया अपने मन से तो समझ लीजिए कि आपको आगे जीएफए में दिक्कत नहीं। बस क्या करेंगे आप हमें देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं ठीक है, जितना दिखा रहे हैं उतना देखते जाएंगे, गलती होना कोई भारी बात नहीं, तभी सीखेंगे ठीक है। तो चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम ये करवा देंगे ठीक है, कौन कौन 7, 8, 9 करवा देंगे, मगर एनी हाउ बना के आएंगे ज्यादा बेटर होगा।